हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी अनदर। हम जहाँ खड़े होते हैं व्लॉग वहाँ से शुरू कर देते हैं। हो चुकी है और यहाँ पानी गिर रहा है। दोस्तों हम इस वक्त आए नकुल नार में, जो कि बहुत ही मतलब जंगल एरिया है, और हम नकुल नार के इस बाजार में ठहरे हुए हैं क्योंकि पानी गिर रहा है, तो काफ़ी सही है। दोस्तों पानी थोड़ी हल्की हो चुकी है, ऐसा लगता है कि हमको यहाँ से निकलना चाहिए। सूर्य मतलब यहाँ आधा घंटा और रुकना पड़ेगा। तो भाई साहब पानी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, बहुत गिर रहा है। कम से कम आधा घंटा हो गया हम वेट कर रहे हैं, अगर पानी छूटेगा तो हम अपने डेस्टिनेशन की ओर जाएंगे। तो पानी पे पानी गिरे जा रहा है। तो मित्रों आप देख रहे हो पानी पानी फ्लो हो रहा है, आप देख सकते हो उस जगह पे, इस जगह पे, मतलब बहुत तेज बारिश हो रही है। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हो यहाँ के स्थानीय लोग हल चना ले जा रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों पानी रुक चुकी है और आप देख सकते हैं टावर के पीछे एक बड़ा सा पहाड़ है, वो वाली। बहुत सारे पहाड़ मिलेगा अगर आप दंतेवाड़ा एरिया में आते हो तो, और इस जगह पे देख सकते हो। दोस्तों अगर आपको पहाड़ी देखना है ना, तो दंतेवाड़ा सुकमा बीजापुर एरिया में आइए एक बार, और आपको इधर पहाड़ी पहाड़ मिलेंगे। मित्र पानी रुक चुकी है और यहाँ से हम निकलते हैं। ये रही हमारी पिछले ब्लॉग वाली बाइक, और देख सकते हैं रविदेव ठाकुर इनके चालक हैं। यहाँ दोस्तों पानी बिक चुकी है, थोड़ा इसको पूछ रहे हैं रविदेव। जी हाँ दोस्तों आप देख रहे हैं, मतलब अंदर एरिया से स्कूल जाना बहुत अच्छी बात है। क्या नाम है नोनी? हाँ क्या नाम है गुड़िया? क्या नाम है? तो भाई साहब हम इस वक्त है नकुल नार में, तो काफ़ी मतलब जंगल एरिया है, तो व्लॉग बन रही है, आपको यूट्यूब में देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों हमको यहाँ पर सुंदर सी लोकेशन मिल चुकी है, तो हम यहाँ पर थोड़ा रेस्ट लिए हैं, और आप मेरे पीछे देख सकते हो दान लगाए हैं यहाँ के स्थानीय निवासी। और आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ, बहुत बड़ा पहाड़ है जहाँ हम रेस्ट किए हैं वहाँ पे। जी हाँ दोस्तों हम आपको दिखा रहे हैं कुछ मतलब मछली पकड़ने का, यहाँ पर जाल लगाया गया है, तो आप देख सकते हैं। यहाँ देखते हैं मछली है कि नहीं, तो ट्राई करते हैं। जी हाँ इसमें एक भी मछली नहीं है, एक छोटा सा तालाब है, इधर से पानी फ्लो हो रहा है। अगर आप दंतेवाड़ा के किसी भी एरिया में आते हो ना, यहाँ तो जियो का नेटवर्क फुल रहता है, काफ़ी सही है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं गांव में भी दिस इज जिम प्लेस, बहुत अच्छी बात है। तो गाइस आप देख रहे हैं पीछे खींचे मतलब मेरे सामने है, बहुत बड़ा पहाड़ है, मतलब यहाँ के कुछ लोग बताए कि ऊपर टॉप में चढ़ने पूरा गिदम दंतेवाड़ा और बचेली जैसे बड़े बड़े टाउन दिखाई देते हैं इस पहाड़ में चढ़ने से। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं पहुरनाथ, जो कि इंद्रावती नदी क्रॉस कर जाना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों इंद्रावती नदी के पार करने का जाने का रास्ता है, जो कि पुल के ऊपर से बहुत ही अच्छा नज़ारा। पवननाथ पहुंच चुके हैं,
और यहाँ से आंधावाड़ा वाटरफॉल महज 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो चलेंगे अगले ट्रिप में। गाइस आप देख सकते हैं ग्राम पंचायत पावरनार, हमारा प्लान आज यहीं तक है। दोस्तों हम पावरनार आए हुए थे क्योंकि इस गांव से आंधावाड़ा वाटरफॉल 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जी हाँ, हम आपको अगली बार आएंगे तो पूरे मतलब आंधावाड़ा वाटरफॉल तक ले चलेंगे। जी आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ बैक कैमरे, आप पीछे देख रहे होंगे पहाड़, उसी पहाड़ के ऊपर में आंधावाड़ा वाटरफॉल भी हमको ले चलेंगे अगली बार। अगर हम यहाँ पावरनार आते हैं तो आंधावाड़ा तक ले चलेंगे। आप देख सकते हैं ये रविदेव ठाकुर, और इधर गए थे हम पावरनार में जो कि आंधावाड़ा वाटरफॉल इसी रास्ते से होकर अब जाना होगा। आसान हुआ आंधावाड़ा जाने का रास्ता, आंधावाड़ा जाने के लिए अब सरल होगा। जितने भी मतलब टूरिस्ट आते हैं, पावरनार में बन रहा है बहुत बड़ा पुल, 600 मीटर का पुल बन रहा है, बहुत लंबा पुल है। यहाँ का व्यू देख कर ऐसा लग रहा है कि यहाँ जाने का मन ही नहीं कर रहा है, बहुत बड़ा मतलब 600 मीटर का यहाँ पुल बन रहा है। आप देख सकते हैं, कभी आइएगा यहाँ आप भी, अगर आंधावाड़ा जाना होगा तो अब इसी रास्ते से जाना होगा, नहीं तो पुल के नीचे से मतलब गर्मी में जाना होता था इस रास्ते से। यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन का काम भी चालू है, मतलब पुल अभी पूरा बना नहीं है और 2-3 महीने का यह काम बचा हुआ है। तो गाइस आप देख सकते हैं, जूम करके दिखाता हूँ, उस जगह भी एक पुल बन रही है जो काफ़ी अच्छी है। आप देख सकते हैं बड़े बड़े पहाड़, ये हमारे रविदेव ठाकुर, आप देख सकते हैं एकदम से आने का रास्ता है। और इधर जाते हैं सीधे पावरनार होते हुए आंधावाड़ा वाटर पर, इधर देख रहे होंगे आप बड़े बड़े पहाड़। सो गाइस यहाँ से जाने का वक्त हो गया है और हमारे ड्राइवर रविदेव ठाकुर, तो हम कहते हैं इंद्रावती नदी के पुल को बाय बाय। यहाँ से गाड़ी निकालना मुश्किल हो गया है, देख पीछे।